नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, सरसों, धान, बाजरा, सेब और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बीते साल से आगे चल रही धान की बुआई, गैर बासमती चावल के निर्यात में 40% का हुआ इजाफा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में बंपर इजाफा हुआ है। गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 40% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं इन दिनों देश भर में चल रही धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। धान की आवक की बात करें तो शनिवार को कृषि उपज मंडियों में आवक आम दिनों के मुकाबले सुस्त रही। कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बीते दिनों के मुकाबले सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 23 सितंबर को धान का भाव रहा 1,890 रुपए, 25 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,890 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भी धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 23 और 25 सितंबर को धान के सौदे बिना किसी उठापटक के 1,650 रुपए पर हुए। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। निर्मल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है धान का बाजार। मौजूदा समय के लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त हालांकि दरियात मांग थोड़ी सी कम है। अगर सितंबर के महीने को अगर देखें, चूंकि अब नई फसल वैश्विक स्तर पर देखें तो वियतनाम में और थाईलैंड में आ चुकी है और हमारे देश में भी नई फसल आना चालू हो गई है, इसके चलते अभी नई फसल का इंतजार निर्यातक कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा निर्यात मांग में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन साल दर साल के लिहाज से देखें या अप्रैल से अगर अगस्त तक के आंकड़े अगर नजर डालते हैं तो भारत से धान का जो निर्यात है वो जबरदस्त है। लगभग 40% के आसपास की हिस्सेदारी वैश्विक एक्सपोर्ट में भारत की है। इन आंकड़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में धान के बाजार भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और जो किसान है ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस बार उत्पादन का जो आंकड़ा सरकार की ओर से निकल के आया अग्रिम अनुमान, उसमें लगभग 1,070 लाख टन के आसपास पैदावार होने की उम्मीद है और साल दर साल के निर्यात के आंकड़े को अगर देखें तो उसमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। उसके चलते मैं समझता हूँ नवंबर या नवंबर से आगे का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी आज हमारे साथ रहने वाले हैं, आपके पास एक बार फिर वापस लौटेंगे, लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंडियों में सीमित रही मसूर की आवक, खरीफ दलहन की उपज में बढ़त का अनुमान, 23.39 मिलियन टन हो सकती है खरीफ दलहन की उपज, घटा खरीफ तिलहन की बुआई का रकबा। अब आइए बात करते हैं मसूर की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का ही हुआ था। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। हालांकि उड़द की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक बीते दिनों के मुकाबले सुस्त रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की महरोनी मंडी में बीते दो दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 24 सितंबर को मसूर का भाव रहा 5,600 रुपए, 25 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और मसूर का भाव 5,600 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 और 25 सितंबर को मसूर के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,300 रुपए पर बना रहा। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, मसूर के बाजार पर आपका क्या कहना है? दलहनी फसलों में की अगर बात करते हैं तो इस साल लगभग सभी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और खासतौर से मसूर के बाजार भाव की अगर बात करें तो मसूर का, क्योंकि खपत के मुकाबले पैदावार हमारे देश में काफी कम होती है और इस साल खासतौर से बाकी दलहनी फसलों के तर्ज पे मसूर के बाजार भाव में ज्यादा तेजी देखने को मिली और आगे आने वाले समय के लिहाज से भी अगर देखते हैं तो, क्योंकि मसूर की फसल रबी के सीजन में होती है तो और रबी की फसल आने में अभी 5-6 महीने का समय है, ऐसे में मैं समझता हूँ मसूर के बाजार भाव में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह होने वाली है? किसानों को मेरी सलाह रहेगी जो भी उनके पास उपज है बीते साल की वो अभी अपने पास उसको रोक के भी रख सकते हैं। आगे नवंबर दिसंबर और जनवरी का अगर नजरिया लेके चले उस टाइम पे अगर बाजार का रुख करेंगे तो मैं समझता हूँ और अच्छे भाव से देखने को मिलेंगे। और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,750 रुपए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 3,250 रुपए पर हुए, उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में टमाटर 1,450 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इसका भाव रहा 1,620 रुपए, सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
अब बात कर लेते हैं फूलगोभी के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 2,650 रुपए, हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए, पंजाब की खन्ना मंडी में फूलगोभी के सौदे 2,000 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और बाजरे की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ईआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन के इस हिस्से में, जानेंगे बाजरा के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सरसों की। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू खरीफ सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। पात सरसों की आवक की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021 और 22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। यही बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी खरीफ सीजन में देश भर के तिलहनी किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती की है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 24 सितंबर को सरसों का भाव था 6,550 रुपए क्विंटल। 25 सितंबर को इसके भाव में कोई फेर बदल नहीं हुआ और भाव 6,550 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की बाराबंकी मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,580 रुपए, जो 21 सितंबर को 6,560 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। इसी तरह गाजियाबाद मंडी में सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 24 सितंबर को सरसों का भाव था 7,200 रुपए, 25 सितंबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 7,400 रुपए क्विंटल पर हुए। हालांकि नौगढ़ मंडी में 24 सितंबर को सरसों का भाव था 6,600 रुपए, 25 सितंबर को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,300 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। सरसों के भाव में नरमी का सिलसिला राजस्थान की लालसोट मंडी में भी बरकरार रहा। यहां शुक्रवार को सरसों 8,090 रुपए क्विंटल पर बिकी। शनिवार को भाव 8,075 रुपए था, यानी यहां गिरावट 15 रुपए की दर्ज की गई। आइए एक बार फिर से चलते हैं निर्मल तिवारी जी के पास। निर्मल जी, ये बताएं कि सरसों के भाव के आगे क्या स्थिति रह सकती है। तिलहनी फसलों के तर्ज पे तिलहनी फसलों के बाजार भाव में भी इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली और उसी तर्ज पे अगर सरसों की बात करते हैं तो सरसों का इस वक्त जो देश में बचा हुआ स्टॉक है उसमें कमी आती जा रही है और दूसरी ओर मांग के तर्ज पे अगर देखें तो मांग लगातार बनी हुई है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि सरसों के बाजार भाव में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर से दिसंबर तक का अगर नजरिया लेके चलें तो सरसों का बाजार भाव अभी और तेज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? किसानों को मेरी सलाह होगी क्योंकि जिस हिसाब से साल दर साल
तिलहन की खपत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया है। इस साल रबी फसल वर्ष के लिए 5050 MSP तय की गई है सस्ते के लिए। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि जो बीते साल की फसल है उसको अगर बाजार में लेके आना है तो अभी लाया जा सकता है, उचित भाव है और यहाँ से लगभग 2 महीने आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। और नई फसल के तर्ज पर भी क्योंकि अब ताजे उसकी बुआई शुरू होगी तो उस तर्ज पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि नई फसल की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बुआई करें ताकि आगे उनको और इजाफा हो। तो निर्मल तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी कृषि जिंसों की जानकारी इनसे हासिल करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल देते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 1900 रुपए, कर्नाटक की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 2250 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भिंडी 1600 रुपए पर बिकी। वहीं केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 2700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब जान लेते हैं करेले के बारे में। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में करेले का भाव रहा 3000 रुपए। राज्य की रत्नागिरी मंडी में इसके सौदे 1800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में करेला 2050 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान करेले के सौदे 1950 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बाजरा की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,67,000 हेक्टेयर रहा था। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा 2600 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे 1521 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरा 1225 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बहजोई मंडी में देसी बाजरे के सौदे 1550 रुपए पर हुए। वहीं मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुवाई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 17 सितंबर तक देश भर में 1,74,70,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,78,83,000 हेक्टेयर रहा था। और एक बार फिर से चलते हैं निर्मल तिवारी जी के पास। निर्मल जी, ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मोटे अनाज बाजरा की अगर बात करते हैं तो हालांकि बाजार तो बाजार भाव एक दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब लोगों का रुझान जो है वो बदल रहा है, मोटे अनाज की खपत बढ़ रही है, उस तर्ज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मांग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिससे बाजार भाव को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आगे आने वाले समय के लिहाज से भी मैं समझता हूँ बाजार भाव एक सीमित दायरे में ही फिलहाल अभी व्यापार करते हुए नजर आएगा और मांग जो है वो लगातार बनी रहेगी। और जो किसान है ऐसे में उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? बाजरा में मेरी सलाह होगी, चूंकि अब मंडिया में इसकी आवक भी देखने को मिलेगी और पैदावार के तर्ज पर अगर देखें तो पैदावार भी इस बार आका जा रहा है कि अच्छी होगी। तो उस तर्ज पे मैं समझता हूँ फिलहाल अभी छोटी अवधि में तो बाजार भाव में थोड़ा सा नरमी देखी जा सकती है, बाकी लंबी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो क्योंकि पैदावार उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इसकी खपत है और खासतौर से पशु चारा की ओर से भी इसकी मांग रहती है, तो उन तमाम फैक्टर्स के चलते लंबी अवधि में बाजार भाव में तेजी देखने को मिल सकती है, छोटी अवधि में थोड़ा सा नरमी रहेगी। तो निर्मल जी, आपके पास एक बार हम फिर से वापस लौटेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और आगे जानेंगे सेब और प्याज का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। प्रधानमंत्री जी ने जो KCC की सुविधा उपलब्ध कराई है हमारे लिए, इससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती पैसे लेने में, जैसे हमारे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तेल और कोई भी बीज खाद लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और पैसा भी टाइम पे मिल जाता है और बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता है। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि KCC बनाने के लिए हमारी मदद करी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 2,96,953 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,11,664 टन का हुआ था। शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव इस प्रकार रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। केरल के अरूर मंडी में इसके सौदे 6,900 रुपए पर हुए, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में सेब के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2,00,000 टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। सेब की पैदावार लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। अब आइए बात कर लेते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 3,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 950 रुपए पर हुए। राज्य की लालगंज मंडी में लौकी 815 रुपए पर बिकी। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,900 रुपए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में इसके सौदे 1,600 रुपए पर हुए। केरल के अरूर मंडी में बैंगन 3,100 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 850 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं प्याज की। इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,925 रुपए, महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए, पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लाल प्याज के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2,00,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 में बीते चार महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 8,35,595 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 11,81,643 टन का हुआ था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, ये बताइए कि प्याज का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा? मुख्य तौर पे सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये देखा गया है कि प्याज के बाजार भाव में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि साल का ये एक ऐसा समय होता है जिसमें जो रबी की जो पैदावार होती है वो लगभग खत्म होने वाली होती है और खरीद की फसल आने में थोड़ा सा समय होता है। और इस साल अगर देखिए मुख्य तौर पर, तो इस साल उस लिहाज से कोई खासा बड़ा बाजार भाव पे देखने को नहीं मिली, क्योंकि सरकार शुरुआती दौर से ही प्याज का बफर स्टॉक बना के चल रही थी। किसानों से सरकार ने पहले ही प्याज खरीद के रखा था, तो उसके चलते बाजार भाव में कोई खास इजाफा देखने को नहीं मिला। और जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? किसानों को मेरी सलाह होगी, मौजूदा स्तर से अगर देखें तो अभी अक्टूबर का और मध्य नवंबर तक का पूरा समय है जो बाजार भाव में तेजी का रुख रहता है और खरीद की जो फसल है वो पूर्ण रूप से बाजार में आती है। तो मौजूदा स्तर के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ उचित समय है अभी और आगे लगभग महीना भर जो भी उनके पास होता है उसको मंडी में लेकर आया जा सकता है और बड़े बड़े भाव के साथ बिकवाली करके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो निर्मल तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम कृषि जिन्सों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर हमारे सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मंडी खबर के